देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन के बाद करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू हैं। हर कोई भावुक होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे रतन टाटा से कोई मिला हो या ना मिला हो। जो लोग रतन टाटा से मिले हैं, जुड़े हैं, हर कोई भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। 66 साल की उम्र में रतन टाटा ने अस्पताल में अपने आखिरी सांस लिए। रतन टाटा की खास बात ये बताई जा रही है कि चाहे वो अरबपतियों में रहते हों, पर हमेशा ही उन्होंने सादगी भरा जीवन व्यतीत किया है। आज उन्हीं को लेकर एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। 86 साल के थे। 2 दिन पहले मीडिया में उनकी बीमार होने की खबर भी आई थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि वह ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे, दादी ने सारी परवरिश की। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पड़पोते थे। वे पारसी धर्म से थे। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो US में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया। वह यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। रतन टाटा बुक लवर भी थे, उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना काफ़ी पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अब वे अपने इस शौक को समा दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और ज़रूरी बातों पर ही ध्यान देते थे। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शैम्पेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बेथोवन चॉकसकी पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूँ। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने यह भी बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था कि मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है, खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूं ताकि उन्हें पढ़ सकूं। 21 साल चेयरमैन रहे टाटा और टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ा। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वह मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में GRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को सौंप दी। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव जरूर बढ़ा। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया और फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। COVID-19 महामारी के समय भी 50 करोड़ टाटा ने दान दिए थे। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई में शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60-65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रतन टाटा ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा के एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान भी दिया गया था। वह यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया गया। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती हैं। अब
अभी एन चंद्रशेखर इसके चेयरमैन हैं। तो टाटा सन्स टाटा कंपनी की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर भी करते हैं और टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023 और 24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए हुआ था। ये 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में शामिल है। सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टेलीविज़न पर टाटा बिन सर्विस का इस्तेमाल और टाटा स्टील से बने अनगिनत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को 11:30 बजे के करीब निधन हो गया है। टाटा ग्रुप में अब तक सबसे ऊंचा पद टाटा परिवार के ही किसी सदस्य को मिलता रहा है। तो ऐसे में कई लोगों के मन में अब ये ज़रूर सवाल है कि रतन टाटा के जाने के बाद अब इस विरासत को कौन संभालेगा। फिलहाल ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है, ये टाटा परिवार से नहीं है। रतन टाटा के निधन पर बिजनेस, पॉलिटिक्स से लेकर हर क्षेत्र के दिग्गजों ने शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टाटा के साथ अपने संबंधों और मेल मिलाप पर विस्तार से बात की है। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NCPA में रखा गया है। यहाँ लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी ICU में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए ही अस्पताल पहुंचे हैं।